बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो क्लास 12 का बायो का हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 15, उसका आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन को। जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब उन न्यूट्रिएंट्स को जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मीन्स क्या, कार्ब्स की एंड लिपिड्स की, अब ये दोनों जो है ये मेटाबोलाइज होते हैं, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की इन एनिमल्स, तो ये दोनों भी मेटाबोलाइज होती हैं और बना देती हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब जो ये नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, अगर ये सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है, और कंसेंट्रेटेड अमाउंट में मौजूद है, मींस के इसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है ना, और जब ये टॉक्सिक हो जाएगा मींस के ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, अब इसको बॉडी से फौरन रिमूव करना जरूरी हो जाता है। और जब हम इस तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, ऐसे वेस्ट को जिनकी नेचर जो होती है वो हार्मफुल होती है या फिर नाइट्रोजीनियस नेचर होती है, जब हम उसको बॉडी से तो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। मीन्स कि हम एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं और जो एक्स्ट्रा हार्मफुल वेस्ट होते हैं नाइट्रोजीनियस नेचर के, तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। ठीक है, इसी तरह जब हम एनिमल्स में बात करते हैं जी, एनिमल्स के अंदर भी मैकेनिज्म होती है एक्सक्रीशन। एनिमल आपको पता है कि प्लांट्स से हम बात करते हैं तो प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा वाटर जो है उसको वो भी चाहिए होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक, बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक होते हैं कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको भी प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर करता है अपने यूज के लिए, मतलब कि जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो उसको यूज करता है, उसको स्टोर करके रखता है। अब हम डिटेल में पढ़ लेते जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को। ठीक है ना, अब हम प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है उसको आज डिटेल में स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक तरह की प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर द लाइफ। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि जब सनलाइट होती है, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जी ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन उसके लिए एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मींस के वो उसको रिमूव कर देगा, इसको चाहिए नहीं होता, हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए यूजफुल है क्योंकि इसको फूड बनाना होता हमने, लेकिन ये क्या करता है, रात को जब हम रात की बात करते हैं, डार्क की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट में होती है, लेकिन जब रात होती है नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट रिलीज करने लग जाता है, मींस कि अब कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, और इसी तरह जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर दोनों केसेस के अंदर जो है इसके लिए एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि जब इसको जरूरत पड़ती है तो ये वाटर को ले लेता है, और जब इसको जरूरत नहीं पड़ती तो ये क्या कर देता है, वाटर को एलिमिनेट कर देता है, तो ये भी इसके लिए एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी काम करता है। ठीक है ना, इसी तरह हम बात करते हैं कि ये कुछ हार्मफुल मटेरियल्स जो होते हैं इसके अंदर पैदा हो जाते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वेस्ट कंपाउंड जो होते हैं, वो भी उसको स्टोर करता है। ठीक है ना, और ये स्टोर करने के लिए इसके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो होते हैं लार्ज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का साइज होता है जी लार्ज वैक्यूल, लार्ज होता है। ठीक है, अब इसी वैक्यूल के अंदर, सेल के वैक्यूल के अंदर सारा का सारा जो टॉक्सिक मटेरियल होता है,
ठीक है ना, जो हार्मफुल मटेरियल होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वैक्यूल के अंदर ये बहुत ज्यादा तादाद में जमा होने लग जाते हैं, मतलब कंसेंट्रेटेड अमाउंट में जमा होने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर इस केस के अंदर इस वैक्यूल में बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटीरियल जमा हो जाता है। ठीक है, इधर जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट की, तो इसके लिए भी ज्यादातर जो ऑर्गन हम कहते हैं कि किस ऑर्गन के अंदर ये तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं, तो हम नाम देते हैं जी लीव का। तो लीव हमारे पास एक तरह का मेन ऑर्गन है जहां पर इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जमा होते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जी लीव की, तो जब हम ऑटम सीजन में इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है, ठीक है ना, येलो कलर होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, फॉल ऑफ, ये गिर भी जाता है और फिर प्लांट पर नए पत्ते बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है हम इसको नाम देते हैं जी एक्सक्रीटोफोर का। ये हमारे पास प्रोसेस है एक्सक्रीटोफोर, क्यों, क्योंकि इसके जरिए से हम जो प्लांट है, जो प्लांट जो है वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट से छुटकारा पा रहा है, क्योंकि लीफ के अंदर ही सारा का सारा जो टॉक्सिक मटेरियल था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो मौजूद था। लेकिन जब पत्ता ही जब नीचे गिर जाते हैं सारे के सारे, तो प्लांट को भी सारे के सारे जो ये वेस्ट है उससे छुटकारा मिल जाता है, फिर नए लीव उगते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी कि ये जो लीव्स हैं इनका कलर चेंज क्यों हो जाता है और ये गिर क्यों जाते हैं ऑटम सीजन में। इसकी वजह ये नहीं होती कि इसमें क्लोरोफिल जो है वो कम हो जाता है, ये हम कहते हैं कि जी क्लोरोफिल की वजह से इसको कलर मिलता है लीव्स को। क्लोरोफिल जब खत्म होने लग जाता है तो फिर जो लीव्स हैं वो येलोइश पड़ जाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्लोरोफिल उसकी अमाउंट उतनी रहती है, बल्कि लीव्स के अंदर जो तमाम के तमाम वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, वो बहुत ज्यादा तादाद में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर जो है येलोइश होता है। अब लीव्स के अंदर तमाम के तमाम जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, और जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लीव्स के अंदर आना जमा जाकर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर जो है वो येलोइश हो जाता है और लीव जो है वो फर्दर काम करना बंद कर देता है, इसलिए लीव जो है वो क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, फिर प्लांट जो है फिर नए से उसके अंदर लीव्स उगते हैं और पौधे उगते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते जी कि इनमें स्टेम के जरिए कैसे एक्सक्रीशन होती है। ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो ट्रीज अपना ज्यादातर जो वेस्ट है वो जमा करती है इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड इबोनी। वैसे ब्रांच में भी करती है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, ट्रंक्स होते हैं, टहनियां होती हैं, उसमें भी करती है, लेकिन ज्यादातर जब जमा करते हैं हमने देखा है तो इबोनी के अंदर। अब इबोनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बीच में ब्लैक वुड बनाती है, एक ट्री के अंदर बीच में सेंटर में ब्लैक वुड जो है वो बनाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि यही एक स्ट्रक्चर है जहां पर तमाम का तमाम वेस्ट जो है वो जमा होता रहता है। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते जी रूट्स की, ये रूट्स से किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। जब हम रूट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है ज्यादातर डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली जो है रूट्स के अंदर से जो तमाम की तमाम जड़े हैं उसी में से जो उसको वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको जरूरत नहीं होती है, उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर देती है फ्रॉम रूट्स टू सॉइल, यानी कि वो सारी की सारी जो वेस्ट होता है वो एंटर हो जाता है इन द। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने प्लांट्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है रूट्स के जरिए, स्टेम्स के जरिए, और किस तरह से एक्सक्रीटोफोर का प्रोसेस होता है जिसके जरिए से लीव्स जो है वो गिर जाते हैं ऑटम सीजन में और फिर प्लांट्स पे नए लीव्स उगते हैं। ठीक है, और सारे के सारा वेस्ट जो है वो भी उसके जरिए से एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द प्लांट। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम मजीद स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।